दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मजे में हूँ और घर के कामों में एकदम व्यस्त हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हमने कर दी है सुबह सुबह से, और सुबह के अभी 7:30 बजे का करीब टाइम हो रहा होगा। करेक्ट टाइम मुझे नहीं याद है दोस्तों, क्योंकि इतने काम होते हैं, इतने कामों के बीच में घड़ी पे मतलब उसकी सुई पे हमारी नज़र ही नहीं जाती है। कामों में व्यस्त रहते हैं, एक के बाद एक काम, तो कुछ ऐसा ही टाइम हो रहा होगा। आज मैंने चने भिगो दिए थे दोस्तों कल रात में ही, और आलू, हाँ तो दोस्तों रात में ही चने मटर मैंने भिगो दिए थे, चने बोल रही हूँ सॉरी, और आलू मैंने ले लिए हैं। तो आलू को 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेना है, क्योंकि फिर इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसी को हमें छोले में यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे बन रही थी चाय सुबह की गर्मा गर्म, और एक तरफ चलिए दिखाते हैं कि हमारा राजा बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है। एकदम संस्कारी बच्चे की तरह लेके ब्रश बैठा हुआ है, और बाहर करने के लिए अंदर इनकी दीदी लोग भी रहती हैं, तो सब लोग आपस में मतलब लड़ाई इनकी शुरू हो जाती है जब भी एक साथ बैठते हैं। तो मैंने इनको कहा बेटा आप पानी हम रख देते हैं, आप बाहर चबूतरे पे बैठ के आप ब्रश कर लो। तो बस ये आ गए यहाँ पे ब्रश करने के लिए। चाय भी उधर बन के तैयार हो चुकी है, कुकर को भी हमने गैस पर चढ़ा दिया है, नमक डाल दिया था हमने ताकि जल्दी से मटर एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे नमक डालने से, और बॉयल भी अच्छे से हो जाएंगे। तो इधर दोस्तों हम प्यूरी बना रहे हैं प्याज की, टमाटर की, और एक कटोरे में आप देख रहे हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, तीनों को एक साथ हमने पीस लिया, लेकिन अच्छे से नहीं पीसा है दोस्तों, दरदरा है, तो इसको हम सिलबट्टे पे ले जाके चिकना कर लेंगे। हमारे एक भैया है जिन्होंने पूछा है आपका मिक्सर कब का है, कौन सा है, तो ये हमारा मिक्सर है फ़िलिप्स का, और ये 13 साल का है दोस्तों। कहाँ से लिया ये मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि ये मिक्सर मेरी शादी का है। तो आपने पूछा था कि इसकी कटोरी वगैरह हमारे मिक्सर की ख़राब हो गई है, कैसे बनेगी, तो इसके बारे में देखिए मुझे नहीं जानकारी है। इसका जार वगैरह एक बार बीच में ख़राब हुआ था, तो माही के पापा शहर से बनवा के ले आए थे। तो इधर सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल तैयार करके रख ली है, अब कुछ नहीं करना है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें बनती है ना दोस्तों तो काम बढ़ जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, और बर्तन भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो तैयारी भी थोड़ी पहले से करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एकदम चटाकेदार, एकदम मतलब मैं बता नहीं सकती इतना टेस्टी रहता है ये मटर का छोला। मुझे मटर के छोले भी काफ़ी पसंद है, और शादी वगैरह में जब मैं जाती हूँ ना, मटर के जो टिक्की वाले चाट आते हैं उन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। फिर ये मटर काफ़ी पुरानी है, हमारे घर में रखी थी, तो हमने कहा चलो आज बना लेते हैं। साबुत गर्म मसाले थे दोस्तों, उससे मैंने पहले तड़का दिया था, एक हरी इलायची डाल दी थी, फिर उसके बाद पिसा हुआ प्याज मैंने डाल दिया था, उसे अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद यहाँ पे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, भुना हुआ जीरे का पाउडर, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डाल दी हूँ, और डालने के बाद इनको अच्छे से भूनना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें दोस्तों पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से भून जाएँ और खुशबू अच्छी आने लग जाए इसमें। एक चुटकी मैंने लास्ट में इसमें डाल दिया है हींग, और ये देसी वाली हींग नहीं जो मार्केट में मिलती है ना, वो वाली हींग है, देसी हींग वही अच्छी होती है जो सर्दियों में आते हैं बेचने वाले, फेरी वाले, वो अच्छी होती है। और सब्जी के लिए यानी रेसिपी में यूज़ करने के लिए ये दुकान वाली हींग एकदम बेस्ट रहती है। उसके बाद दोस्तों टमाटर की जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी उसको भी इसमें डाल दिया है, खूब अच्छे से भूनेंगे जब तक कि तेल ना छोड़ने लग जाए। भूनने में टाइम लगता है, और यही से सब्ज़ी पकनी स्टार्ट हो जाती है, यही से खुशबू स्टार्ट हो जाती है, तभी हमें पता चल जाता है कि हमारा जो किचन में जो कुछ भी बन रहा है वो अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा है, मसाले से ही पता चल जाता है। तो ये देखिए आलू और मटर दोनों बॉयल हो चुके थे, आलू को मैंने एक थाली में निकाल के एक साइड रख लिया, और मटर को यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि एकदम सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो मटर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से नरम हो चुके थे, और बस मटर का जो पानी था ना वो मैं फेंकूँगी नहीं, इस तरह से मसाले में डाल दूँगी, और बस इस तरह से सब्ज़ी भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगी और पानी भी हमारा यूज़ हो गया है। उसके बाद आलू को भी मैं यहाँ पर फोड़ लूँगी, फोड़ने के बाद इसी में डाल देंगे ताकि अच्छी सी गाढ़ी सी जो है हमें मिल जाए सब्जी।
सारे मसालों को अच्छे से भून चुके हैं दोस्तों, और लास्ट में इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक को ध्यान में रखते हुए डालना है क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था जिस टाइम हमने आलू को बॉयल किया था और मटर को उस टाइम, और थोड़ा सा फिर से हमने डाल दिया है लास्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैंने डाल दिया है कस्तूरी मेथी और एक पैकेट 5 रुपए की ऑरेस्ट मसाला। बस एकदम से मस्त यहाँ पे मटर का छोला बनके तैयार हो गया है। उसके बाद दोस्तों मैंने चावल बनाए और रोटियाँ बनाई, एकदम शॉर्टकट में दिखाया क्योंकि फिर फ़ोन की बैटरी भी कभी ख़त्म हो जाती है लाइट ना रहने की वजह से, तो वो भी हमें करना पड़ जाता है। खाना खाने के बाद दोस्तों ये देखिए हम निकल पड़े हैं चौराहे की तरफ। कल मैंने आप सभी को बोला था ना, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कल मैं चौराहा जाने के लिए रेडी थी लेकिन साधन नहीं मिला कोई, तो फिर नहीं जा पाई थी। तो आज हमें मिल गई है एकदम गाँव से ही रिक्शा, तो हम चौराहे पे आ चुके हैं, हमारे नज़दीकी चौराहे पे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ये मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ट्राईपोड का हैंडल जो है वो ऑर्डर किया था और इन्हीं भैया के दुकान पे रखवा दिया था, तो वो देख रहे थे कि आखिर है क्या, क्योंकि 3 दिन से रखा हुआ था, इनकी भी इच्छा थी कि उसमें क्या है हम देखें। उसके बाद हमने यहाँ पर लिए समोसे, और समोसे लेने के बाद हम घर के लिए आ गए हैं, और अभी अभी बिल्कुल हम रिक्शा से उतरे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली है मेरी किचन के लिए, जो आप लोग हमेशा शिकायत मतलब बताते रहते हो मुझे मेरी वीडियो में कि दीदी आप ये ले लो वो ले लो। तो एक चीज़ मैं और आप सभी को बताना चाहूँगी, इस महीने मेरी YouTube की सैलरी आई है, तो फिर मैंने कहा जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं ले लेती हूँ, और इतनी भी मेरी सैलरी नहीं आती है दोस्तों कि काफ़ी बड़ा मैं कुछ खरीद सकूँ, बड़ी चीज़ें ले सकूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मैं वही ले सकती हूँ। कुछ मैंने मेरे महीने 3 महीने के खर्च के लिए रख लिया है, और कुछ मैं जो है अभी खर्च करके आई हूँ, और कुछ मेरे खर्च भी हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये था एक कंघा और एक कंघी। कंघा 3 कंघे ही है मेरे घर में दोस्तों, क्योंकि तीनों अक्सर लड़ाई करती रहती हैं, लेकिन जिसमें से तीनों खराब हो चुके थे और कुछ खो गए थे, तो वो मैंने नए लिए। एक मैंने इस तरह से छन्ना लिया जैसे मूँगफली के दाने वगैरह फ्राई करते हैं तो प्रॉब्लम होती थी। एक मैंने छोटी सी लोटिया ली है पूजा पाठ जल वगैरह के लिए, और ये मैं स्टील की एक छन्नी ली है, और ये रहा वो मेरा ट्राईपोड का हैंडल जो टूट गया था, तो वो मैं अभी आप लोगों को लगाती हूँ, फिर उसके बाद ही दिखाती हूँ। यही वो सारी चीज़ें थी दोस्तों जिसको मैंने आज मैंने खर्च किया अपनी यूट्यूब की इनकम से। तो ये देखिए, इसी तरह का कुछ बॉक्स था और फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था इसको, और ये दुकान पे 3 दिन तक रखा। तो देखिए दोस्तों, ट्राईपोड का जो हमने हैंडल मंगवाया ना, इसको हमने इसमें टच मतलब लगा भी दिया है, और अब थोड़ा ठीक हो गया है, नहीं तो पिछले 15 दिन से ये ख़राब था। और चौराहे पे हमने मंगवा के रखा था। एक मैंने और मंगवाया था लेकिन वो पता नहीं क्यों एक भैया के दुकान पर मैंने रखवाया था, और 5-6 दिन हो गए मम्मी के यहाँ थी, फिर उनसे मैंने बोला कि भैया जो सामान हमने आपकी दुकान में रखवाया था दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कोई सामान ही नहीं आया है। मैंने कैश ऑन डिलीवरी मंगवाया था, पैसा उन्होंने ही दिया, मैंने सारा चीज़ उनको याद दिलाया लेकिन वो कह रहे नहीं होता तो मिल ही जाता, कहाँ जाता। फिर मैं चली आई वहाँ से जितने भी सामान थे लेके, और समोसे ये देखिए सब ने थोड़े थोड़े खा करके इस तरह से रख दिया। अब इसको मैं खाऊँगी छोले के साथ, जो हमने छोला सुबह बनाई थी उसको। तो आज की वीडियो का दोस्तों मैंने सोचा एंड कर देते, काफ़ी लंबा आज का हमारा वीडियो चला है। छोटी सी जो लोटिया लेके आई हूँ मैं पूजा करने के लिए, ये देखिए मानसी इसमें पानी पी रही है, 50 रुपये का उसने दिया है इसे, तो ये मैं पूजा के लिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, इसे मांझ दो तो। चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। वीडियो को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। बाय।